नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिच्छू के डंक मारने पर जहर को उतारने के खास कारगर उपाय बताएंगे, जिनसे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत लाभ होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहे। दोस्तों, बिच्छू एक जहरीला जीव है, जिसके पीछे की तरफ पूंछ में एक डंक होता है। इस डंक में ही जहर भरा रहता है। जब यह इस डंक से किसी को काटता है, तो डंक के भीतर का जहर उस प्राणी विशेष के शरीर के उस भाग में चला जाता है जहाँ बिच्छू डंक मारता है। इसके डंक से अत्यधिक पीड़ा व कष्ट होता है। भारत में कई प्रकार के बिच्छू पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अत्यधिक जहरीले होते हैं और कुछ में जहर की मात्रा कम होती है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के बिच्छू सबसे अधिक देखे जाते हैं, जिनको रंग के हिसाब से काला बिच्छू व भूरा या पीला बिच्छू के नाम से सभी आम आदमी जानते हैं। काला बिच्छू सबसे अधिक जहरीला होता है। इसके काटने से आदमी की जान भी जा सकती है और सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इसके जहर को उतारने का कोई एंटीडोट पूर्ण कारगर साबित नहीं हुआ है। लेकिन यह एक अच्छी बात है कि यह बिच्छू कुल पाए जाने वाले बिच्छू के केवल 7% ही भारत में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक भूरे रंग के या हल्के पीले रंग के बिच्छू ही सबसे अधिक पाए जाते हैं और यह सभी तरह के वातावरण व जलवायु को सहन करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अब आपको ऐसे 100% कारगर व रामबाण उपाय बताते हैं, जिनके प्रयोग से किसी भी व्यक्ति विशेष को यदि बिच्छू काट ले तो तुरंत लाभ होगा और उसकी संपूर्ण पीड़ा व दर्द दूर होकर वह पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएगा। पहला उपाय, बिच्छू के डंक काटे हुए स्थान पर माचिस की 5-7 तिल्लियों का मसाला उतारकर उसे इकट्ठा करके पानी में घिस कर लगाए, तुरंत जहर उतर जाएगा। ये एक प्रभावशाली उपाय है। दूसरा उपाय, जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा हो उस स्थान पर रूई में केरोसिन या डीजल लेकर सेक करे और पट्टी बांधे, तुरंत जहर उतर जाएगा। तीसरा उपाय, बिच्छू के काटे हुए स्थान पर गीली मिट्टी जो महीन बारीक हो उसकी आधा इंच मोटी तह लगा देने या पोतने या मिट्टी की पट्टी बांधने से जलन और विष का असर मिट जाता है, शांति एवं शीतलता आ जाती है। चौथा उपाय, पुदीने के पत्ते खाने से बिच्छू के डंक का प्रभाव व जलन तुरंत खत्म हो जाएंगे। पाँचवा और आखिरी उपाय, जिस स्थान पर बिच्छू ने काटा है उस स्थान पर चाकू या ब्लेड से थोड़ा सा चीरा लगाकर उसमें गूलर के सूखे पंचांग को भर दे, इससे तुरंत जहर उतरने लगेगा व रोगी मनुष्य कुछ ही समय में सामान्य हो जाएगा। दोस्तों, मैंने बिच्छू के डंक मारने पर कारगर व 100% प्रभावशाली ये 5 चुनिंदा उपाय बताए हैं। ये अनुभूत व प्रभावशाली है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके उतना सभी मित्रों व रिश्तेदारों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी वक्त ज़रूरत पर सभी के काम आ सके। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और आपका परिवार सभी बीमारियों व पीड़ाओं से मुक्त रहे, सदा खुश व आनंद में रहे, इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद।